जिले में हत्या, लूट, चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है, या यह कहें कि पूरी तरह से पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हत्या या बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को चुनौती ना दे रहे हों। ताजा मामला सिमरिया क्षेत्र के बधरी गांव का है, जहां विधवा महिला का शव उसी के घर के भूसे में दबा मिला है। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनाका खिंच गया। आनन फानन में पुलिस पहुंची और FSL टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र करवाएं। बताया जाता है कि हीरा कली सिंह पति राजकरण सिंह अकेले अपने घर में रह रही थी, जबकि उनका बेटा कहीं बाहर रह रहा है। माँ का फोन 2 दिन से बंद होने पर बेटी बेटे घर पहुंचे और तलाश शुरू की तो घर में बाहर से ताला बंद मिला, जिसकी शिकायत सिमरिया थाने में की गई तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश कर रही थी। महिला के बेटे ने रात में तलाश की तो महिला का भूसे में दबा हाथ दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको बाहर निकलवाया और साक्ष्य एकत्र किए हैं। परिजनों की माने तो घर से काफी मात्रा में सामान चोरी हुआ है, जिससे माना जा रहा है कि संपत्ति की लालच में महिला को मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस साक्ष्य एकत्रित कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बदरिया गांव है, जहां श्रीमती हीरा कली विडो है और अकेले रहती हैं। उनका एक बच्चा बाहर नौकरी में है और दूसरी बच्ची जो है उसकी शादी हो चुकी है। परसों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था बच्ची का। कल वो घर आके देखी तो ताला लगा हुआ था, तो जिसकी सूचना उनने थाने में दी वो इंसान कायम हुआ था। आज वो बच्चे उसी घर में तलाशते हुए भूसावल गए होंगे, तो भूसा के घर में उस महिला का जो है हाथ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। भूसा से ये सूचना मिली है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और वहां कार्रवाई की जा रही है। अब उसको लाश निकालने के बाद पंचनामा कार्रवाई होगी, इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी क्या है। प्रथम दृष्टया अब ये लाश का पंचनामा हो जाए, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो उषा के अंदर है, कैसे पहुंची वहां, क्या हुआ। FSL टीम भी हमारी वहां पे पहुंच चुकी है, इसके बाद ही कार्रवाई समझ में आएगी अगली क्या है।